सबसे पहली बात तो ये कि मैं गुजराती फिल्म कभी ना करता। अगर ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा नॉवल सब्जेक्ट मुझे ना मिलता, तो जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ने मुझे अप्रोच किया इस रोल के लिए, इस फिल्म के लिए, और जब उन्होंने मुझे नटशेल में कहानी सुनाई तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा कि ये करना चाहिए। एंड वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट अ रेगुलर काइंड ऑफ अ गुजराती फिल्म, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ गुजराती फिल्म, वेरी नॉवल सब्जेक्ट एंड वेरी इनोवेटिव आइडिया ऑफ अ स्टोरी। मेरा किरदार तो अच्छा है ही, सबसे यूएसपी ऑफ द फिल्म इज द स्टोरी ऑफ द फिल्म। जो कहानी है इस फिल्म की, वो पहली बार किसी गुजराती फिल्म में इस तरह की स्टोरी आई होगी, इस तरह का स्टोरी आइडिया आया होगा, इस तरह का नॉवेल सब्जेक्ट आया होगा। तो सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द फिल्म। हाँ, मतलब दिस गुजराती फिल्म कैन बिकम अ ट्रेंड सेटर, ये पाथ ब्रेकिंग फिल्म हो सकती है मेरे हिसाब से। बिकॉज इट इज सिर्फ इस नई तरह का सब्जेक्ट है, इतना ही नहीं है, इट इज हाईली एंटरटेनिंग, इट इज हाईली एंटरटेनिंग। नहीं, हिंदी में भी अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि गुजराती फिल्म लाइन में, गुजराती फिल्म के लिए इतना अच्छा सब्जेक्ट आया। We always wanted to make a happy film that is about family, because that appeals to everyone. I don't remember the last time any film came out that you could go watch with your family and enjoy. So I hope this one does that for you. It's an entirely new concept. Once people see the film, they'll understand why it's so unique. So you can't compare it to any of the other existing Gujarati films or Bollywood films for that matter.